लोकसभा चुनाव से पहले अब नेता बयानबाजी में इतने मशगूल हो गए हैं कि उन्हें अपनी मर्यादा का भी ख्याल नहीं रहा है। जी हां, ऐसा ही एक मामला सामने आया है मंडला से, जहां कांग्रेस नेता ने भरे मंच से वर्तमान भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को फांसी देने की अपील कर डाली। आप भी सुन लीजिए नेताजी के ये बोल। दरअसल कांग्रेस नेता घनश्याम सूर्यवंशी द्वारा मंडला में एक सभा को संबोधित करते हुए सांसद फग्गन सिंह को फांसी देने की बात कही। सूर्यवंशी ने कहा कि इस बार मंडला की जनता ने मन बना लिया है कि 29 अप्रैल को सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को फांसी दी जाएगी। इस बार किसानों को नहीं बल्कि कुलस्ते को फांसी लगेगी। यह कमलनाथ की सरकार वादा करती है और वचन भी देती है। ऐसे नेता फांसी पर झूलेंगे, लेकिन जनता को किसी भी हालत में फांसी के फंदे पर नहीं झूलने देंगे। जरा आप भी सुन लीजिए नेताजी किस तरह भावनाओं में बह गए। तो कुलस्ते जी, अब इस मंडला जिले की जनता ने मन बना लिया कि 29 तारीख को फग्गन सिंह को फांसी दी जाएगी। फग्गन सिंह को फांसी लगेगी, किसानों को फांसी नहीं लगेगी। ये कमलनाथ की सरकार वादा करती है और वचन देती है कि ऐसे नेता फांसी में झूलेंगे, हमारी जनता फांसी में नहीं झूलने वाली है। नेताजी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि ये जो बीजेपी नेता भाषण देते हैं, बात करते हैं, तो इनके एक एक शब्द में पैसे की बू आती है और घमंड भी झलकता है। आप लोगों को इस घमंड को खत्म करना है। साथियों, ये जो भाषण देते हैं, ये जो बात करते हैं, तो इनके एक एक शब्द में पैसे की बू आती है, एक एक शब्द में अहम और घमंड झलकता है। मेरे साथियों, इस घमंड को खत्म करना है। कुल मिलाकर नेताजी का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं अब वीडियो के वायरल होने के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बहरहाल चुनावी समर में नेताओं के विवादित बयानों की मानो बाढ़ सी आ गई है। इसका कितना असर चुनावी परिणामों पर पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, मंडला।